90 करोड़ डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग केस वो साबित है किसको? और नए वाले भी आए थे 4 अरब 90 करोड़ नवाज शरीफ वाले, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मशहूर केस है मेरा। और वो अमेरिका का एक दी वॉल स्ट्रीट जर्नल निकलता है, रिसाल अखबार निकलता है, उसने मेरा मजमून छापा और अमेरिकी सेनेट और कांग्रेस में मेरा डिस्कशन हुआ है। और साबिक वजीर अमेरिकी वजीर खारजा वो एक पोम्पियो ने उसके ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत पर शदीद तनकीद की कि हम पैसा खर्च के लिए देते हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग करता है। इन्वेस्टिगेशन हुई, मुझे इस्लामाबाद बुला रहे थे नवाज शरीफ, हाँ चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने डीजी नैब रावलपिंडी के हवाले किया, मुझे रावलपिंडी बुला रहे थे। इनकी प्लानिंग ये थी कि जो ही मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद से निकलूं मुझे गोली मार दी जाए। उस वक्त वज़ीर आला पंजाब था शहबाज शरीफ, मुझे हस्सा सेदारों ने टेलीफोन किया, बोला आपको जाने की जरूरत नहीं, चेयरमैन नैब को आप खत लिखे। मैंने चेयरमैन नैब से टेलीफोन पर बात की, आधे घंटे उन्होंने बात की। मैंने कहा सर मैं रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर ऑडिट हूँ, मैंने करप्शन जिंदगी भर नहीं की, मेरे बाल दादा मरूम को मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी बनाया था यूपी मुस्लिम, सारा बताया, बड़े खुश हुए। और मैंने उनको केसेस भी बताया जो मैंने कहा सर मैं ये फ्लैट है कर से बनाया है, फ्लैट नंबर C1 ये कर्ज है और मैं डिक्लेरेशन ऑफ एसेट भी कई मरता दे चुका हूँ नैब को केस के अंदर, बड़े खुश हुए। तो नैब की टीम मेरे घर पर आई थी 21 रमजान 2019, मैंने बयान रिकॉर्ड कराया और मैंने वो अकाउंट्स बताए हैं सईद अहमद खान जो साबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक था उसके थ्रू वो सारा पैसा दुबई से गया कहाँ भारत। आप पता है क्या हुआ कि इन्होंने डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के घर पे रात को पुलिस भेजी, उसकी जवान लड़की को नंगा करके कहा कि अगर तुमने ये गवाही से विड्रा नहीं हुए हम तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटेंगे, ये शहबाज शरीफ ने किया था काम। और मुझे धमकी दी थी, इफ्ता इस्माइल आया था मेरे घर को ढूंढ रहा था मारने के लिए, मैं देख रहा हूँ ये मेरे खिलाफ बोल रहा है कि तोसी साहब शुरू हो गए, मेरी नजर तुम्हारी तरफ है, मैं FIA में भी रहा हूँ बेटा, हाँ नजर।